श्री शिवाय नमस्तभ्यम। दर्शकों, शारदीय नवरात्रि का पर्व आने ही वाला है और नवरात्रि में माता की सवारी का विशेष अर्थ होता है। इस बार माता किस पर सवार होकर आ रही हैं, आपको हम बताएंगे। माता की सवारी नवरात्रि के प्रथम दिन से ज्ञात की जाती है। इस बार में शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है। माता की सवारी के बारे में देवी भागवत में पुराण में भी वर्णन किया गया है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि की शुरुआत सोमवार या रविवार को हो, इसका अर्थ है कि माता हाथी पर सवार होकर आती हैं। लेकिन शनिवार और मंगलवार को हो तो माता अश्व यानी घोड़े पर सवार होकर आती हैं। इसके साथ ही गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्रि का पर्व आरंभ होता है तो इसका अर्थ होता है कि माता रानी डोली में सवार होकर आती हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि का पर्व गुरुवार से आरंभ हो रहा है, इसका अर्थ है कि माता रानी डोली में बैठ कर के सवार होकर के आ रही हैं। तो इस बार माता रानी के स्वागत के लिए आप अपने घर में कलश की स्थापना करें, अखंड ज्योत प्रज्वलित करें, व्रत भी कर सकते हैं यदि आप सक्षम हैं तो। और इसी तरह माता रानी को प्रसन्न करके आप अपने घर को धन धान्य से परिपूर्ण करके अपने जीवन में सुख समृद्धि एवं वैभव को प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, पूजनीय श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए ऐसे उपाय हैं जो हमने हमारे चैनल पर डाल रखे हैं, स्पेशली नवरात्रि पर किन उपायों को करके अपने जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, उन उपायों को आप जरूर देखिएगा। हमने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है और आप हमारे चैनल पर जरूर आइए। हमारे ऐसे 3 चैनल हैं जिन पर कि हम प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए वीडियोस डालते हैं और आपको ऐसे कई उपाय बताते हैं जो पूजनीय श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए हैं। तो दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। जय माता दी।